हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो. सो टुडे इज रक्षाबंधन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय ब्रदर्स. सो आज का जो वीडियो है वो है रक्षाबंधन ब्लॉग के ऊपर. सो मैं रेडी हो गई हूँ फाइनली, और मैं काफ़ी सिंपल बनी थी आज, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था. और मैंने करी पहले तो थाली की डेकोरेशन, क्योंकि यार लेट भी हो रहा था, मुहूर्त का टाइम था राखी बांधने के लिए भी. यानी बस सज धज के यहाँ बैठ गई और नौटंकी कर रही है. आपको दिख ही रहा होगा कि यार नौटंकी फुल ऑन ड्रामा क्वीन है ये. तो हमने सबसे पहले जो राखी थी अपने लड्डू गोपाल को बांधी, हमारे घर के छोटू. कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले भगवान को ही श्रृंगार होता है, भोग होता है. तो यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल को भोग चढ़ाया, मिठाई दी, जल अर्पित किया, पूजा की प्रॉपर. पूजा करने के बाद जब मैं बाहर गई सिटिंग रूम में, तो देखा यहाँ पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे. सो मेहमान तो नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली. और यहाँ मार्केटिंग चिल्लर पार्टी, राखी बांधने और बंधवाने सारे कजिन्स और छोटे भाई बहन थे. वैसे तो सब मुझे बुआ और मौसी बोलते हैं, भाई मेरे दो ही थे. तो मेरी बहन ने सबसे पहले बड़े भैया को राखी बांधी, तिलक लगाया और फिर राखी बांधी. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमेडी कर रहे थे हम लोग. जब होते ही है घर में, जब इतने सारे लोग हैं तो हो ही जाता है. फन चल रहा था बहुत ज़्यादा, पॉइंट मार रहे थे एक दूसरे का. और ये भैया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉइंट मारते एक दूसरे को. सो यार फेस्टिवल में वैसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, जब फैमिली गेट टुगेदर होता है तो बहुत ज़्यादा फन होता है, कॉमेडी होती है. और दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है. सो ये मेरे मामा के बच्चे हैं, और यहाँ पे हम सब बैठ गए थे फोटो शूट करने के लिए. सो यहाँ पे एक एक करके सब फोटो शूट कर रहे थे, जो एज यूजुअल सभी के फैमिली में होता ही है, आपको पता ही होगा. ये है मेरी दी और मम्मी, और यहाँ पे मम्मा बांध रही थी मामा को राखी. इस बार मामा भी आए हुए थे. घर पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. मैं सोची थी कि मैं वीडियो शूट करते करते ही बोलूँगी, बट जिस हिसाब से शोर हो रहा था मैंने सोचा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. सो ये है मेरी बहन की हरकतें. वैसे मैं भी घर में ऐसी हूँ, अभी वीडियो में इतनी सिंपल सी भोली सी लग रही, पर इन रियलिटी मैं भी घर में ऐसे ही रहती हूँ, ऐसी उठपटांग आवाज़ें निकालते रहते हैं. और मम्मी किचन में बना रही थी सबके लिए पकौड़ियाँ. वैसे फेस्टिवल्स में फ्राइड फूड बनाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है. सो इसलिए आज चाहे जन्मदिन हो चाहे फेस्टिवल हो, सो घर में पकौड़ी वगैरह बनना तो नेसेसरी है, सब बनाते ही हैं. और यहाँ पे मम्मी ने बना दी थी पकौड़ियाँ. और वैसे यार पकौड़ी में ना ये कड़ी लीव्स इतनी टेस्टी लगती है. और यहाँ पे दीदी आई थी, सबके सब थे यहाँ पे, आपको दिख ही रहा होगा कितनी ज़्यादा भीड़ थी. और जितने ज़्यादा लोग उतना ज़्यादा फन और उतना ज़्यादा शोर. तो यहाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रखा था, तो आपको दिख ही रहा होगा चिल्लर पार्टी थी. और उसके बाद हम चले गए थे अपने दूसरे भैया को राखी बांधने. तो सबसे पहले हमने उनके लिए मिठाई ली. और यहाँ पे यार मुझे तो सच में मिठाई की शॉप पे ना मिठाइयों को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था. और यहाँ पे हमने ली थी राखियाँ, क्योंकि जो राखी हमने जितनी भी ली थी वो तो सब हमने बांध दी थी, क्योंकि यार आपको दिख ही रहा था कि घर में कितने लोग आए हुए थे. सो हमने यहाँ पे अपने के लिए राखी पसंद कर दी थी. और हम चले गए अपने भैया के घर, और ये है उनका बेबी क्यूट दक्षु. आपको दिख ही रहा होगा कितना प्यारा है ये. वैसे आजकल जितने भी बच्चे, सबको बस फोन में गेम चाहिए होता है खेलने के लिए. फिर हमने भैया को राखी बांध दी. हमारे फैमिली में भैया और जो दीदी हैं वो सब हमसे बड़े हैं. हम फैमिली में हम तीन ही अब छोटे बच्चे हैं, मैं, मेरी बहन और हमारी कज़न जो एक है, बाकी सब बड़े हैं. और ये मेरी भाभी हैं जो अपनी बिहेवियर्स दिखा रही थी, क्योंकि भाभी ने अभी नई नई रिबॉर्निंग कराई है इसलिए. और ये भाभी का जो लड़का है ये काफ़ी शैतानी कर रहा था, तो इसको डांट पड़ी और ये रोने लग गया. यहाँ पे काफ़ी शैतान है पर क्यूट है यार. ये है प्यारी सी डॉल, जो कि लग रही थी पाली जी बिस्किट में, जो डॉल नहीं होती एग्जैक्टली ये वैसे ही लग रही थी, इतनी क्यूट थी. पर ये भी यार बहुत शैतान थी. क्या यार, बच्चे तो बचपन में शैतानी करते ही हैं. और यहाँ दक्ष को डांट पड़ने लगी, तो वो महारानी वहाँ टेबल के नीचे छुप के हंसने लग गए. हम लोगों ने बचपन में ऐसे किया है, जब बड़े को डांट पड़ती थी छोटा बहुत हंसता था. और यहाँ पे ये लोग अभी भी मस्ती कर रहे थे, पता नहीं बच्चों में इतनी एनर्जी आ कहाँ से जाती है, बहुत ज़्यादा शैतान थे. मेरी बहन बोल रही थी इनके ऊपर तो व्लॉग अलग से बन सकता है. मेरा तो Ah!
सो भैया और को बाय बाय करके हम चले गए थे पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और हमारा वैसे ऑयली खाने का मन था नहीं, तो हमने अब बाहर से ही खाया। कुछ खा रहे हैं वीडियो, जिंदगी ऐसी। और मेरे यहाँ पे भैया का वीडियो कॉल आया था, मेरी बहन भैया को बोल रही भैया अब तो ऐसी होगी ज़िंदगी की बस कुछ भी कर रहे, बस वीडियो वीडियो बनने में लगी है हमारी। मैंने भी अपने भैया से बात की, सो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू भैया जी। कोई नहीं, अगले साल जब आप आओगे रक्षाबंधन के दिन तो मैं आपको फुल ऑन लौटूंगी, सो बी रेडी फॉर दैट। मुझे तो लगी हुई थी खतरनाक वाली भूख, सो मैंने तो की पेट पूजा। वैसे तो सभी को लगी थी भूख, क्योंकि हम लोगों ने यार पकौड़ी नहीं खाई, एक तो गर्मी थी और ऊपर से ऑयली फूड खाने का मन नहीं था। और मुझे तो भाई पिज़्ज़ा केचप के साथ पसंद है, एक्स्ट्रा टैंगी फ्लेवर। सो फाइनली हमारा सेलिब्रेशन हो चुका है ख़त्म, सबके सब मेहमान अपने घर जा चुके हैं। आपने देखा ही होगा आज कितना ज़्यादा मतलब अच्छा भी था और बहुत ज़्यादा हेडेक वाला दिन भी था। काफ़ी सारे छोटे बच्चे थे, काफ़ी ज़्यादा मस्ती थी, आपने देखा ही होगा कितना ज़्यादा शोर था। सो या आज का दिन तो ऐसे ही था, काफ़ी मज़ा आया। सो होप यू लाइक माई वीडियो, इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, चाहे बेस्ट निकले शेयर करना पर करना ज़रूर। बाय।